हरि ओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, मेरा हर वीडियो के माध्यम से बस यही प्रयास रहता है कि आप लोगों तक कुछ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक अच्छी जानकारी पहुंचा सकूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कीवी फ्रूट, जैसा कि हम लोगों ने नाम सुना है, काफी लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, बहुत ही अद्भुत फल है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आगे बात करने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें। हम बात कर रहे थे कीवी फ्रूट, काफी लोग जानते होंगे। मैंने देखिए कीवी फ्रूट यहां रखा हुआ है, ये सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसके बारे में पूर्णतः शायद हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में उतनी जानकारी ना हो। तो आज मैं आपको वीडियो में वही सब बताने वाला हूं कि ये हमारी दिनचर्या में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं पहले, ये कीवी फ्रूट भारत में आया कहां से। कीवी फ्रूट की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसके बाद बहुत से देशों में पहुंचा और फिर उसके बाद ये भारत में आया। अब कुछ सालों से ये भारत में इसकी खेती हो रही है और ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहले ये 30 to 40 रुपीज का 1 पीस मिलने वाला फ्रूट, जो अब बड़ी आसानी से 15 to 20 रुपीज में आराम से उपलब्ध हो जाता है। इसके पीछे एक चर्चा और आपको बता दूं कि ये कब पॉपुलर हुआ। आप जानते होंगे कुछ सालों में डेंगू के पेशेंट्स एकदम बहुत बड़े हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में अक्सर पेशेंट्स की प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो काफी लोगों का कहना है कि हम लोग कीवी अगर खाएं तो प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो पिछले कुछ सालों में कीवी की डिमांड इसको लेकर भी मार्केट में बहुत अधिक बढ़ गई। ये प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाता है और क्यों बढ़ाता है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा। आगे बात करते हैं कि ये इसके अंदर क्या-क्या न्यूट्रिशन है जो बहुत अधिक हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो संतरे से 5 गुना विटामिन सी कीवी में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर विटामिन ई, पोटेशियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं विटामिन ई हमारी मांसपेशियों के लिए दर्दों में बहुत फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त हमारी हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम में भी विटामिन ई का रोल है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम, जो बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है, और ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अंदर फाइबर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, विटामिन्स इसके अंदर मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैटी एसिड है, जो हम लोगों के शरीर में बहुत अधिक लाभ देता है। इसके अतिरिक्त हार्ट के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, बीपी पेशेंट के रोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर विटामिन सी संतरे से 5 गुना है, तो हम सब जानते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण रोल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए है। हम सब जानते हैं विटामिन सी स्किन में भी कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए इसको अगर हम अपने भोजन में, डाइट में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपके स्किन में भी बहुत अधिक लाभ देगा। इसके अतिरिक्त ये एंटी थ्रम्बोटिक भी है। एंटी थ्रम्बोटिक मतलब ये खून में थक्का नहीं जमने देता है। जैसा कि आर्टरीज और वेन्स में फैट जमा होने लगता है, तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये ब्लड को पतला करता है और आर्टरीज में फैट को इकट्ठा नहीं होने देता है। इसके अतिरिक्त एक ब्रेन में बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है, हमने नाम सुना होगा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे मूड को बेहतर करता है। तो ये सेरोटोनिन के कारण हम लोगों की नींद में भी
बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में मिलता है और किवी फ्रूट कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जिनका अगर गला खराब है, गले में खराशे हैं, बहुत ज्यादा खांसी है, टॉन्सिल्स हैं, तो उस स्थिति में हम किवी फ्रूट का सेवन नहीं करेंगे। तो मेरा इस वीडियो से यही प्रयास है कि आप लोग किवी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। किवी को जब आप काटेंगे तो ये इस तरह बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत अधिक टेस्टी है। तो प्रयास करिए, इसको अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों को। हरिओम।